गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने जो कल वीडियो अपलोड करी थी ना ट्यूसडे की, हनुमान चालीसा की, वो अपलोड हो गई है। आप लोग उसे बहुत देख सकते हैं। वो ना एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी बाजी में हुई, क्योंकि अकेले देखिए मैं करने वाली हूँ। मुझे बाहर का भी देखना था, घर का भी देखना था। थोड़ा बच्चों ने रिकॉर्ड करा, थोड़ा मैंने रिकॉर्ड करा, तो जितना हो पाया उतना मैं आपके साथ मैंने शेयर करा। और अब नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे में मेरा घर बहुत साल रखा है इस टाइम, तो थोड़ा बहुत समेट दिया, थोड़ा समेटने वाली हूँ। तो आज का भी ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बना कर आ गई हूँ। मैं हूँ किचन में, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं बेसन का हलवा, क्योंकि आज है बसंत पंचमी। तो आज मैं अपने भगवान को पीली चीज़ का जो है भोग लगाऊंगी। तो यहाँ बना रही हूँ बेसन का हलवा, ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। मुझे बेसन का हलवा बहुत पसंद है, तैयार ही हो जाएगा, बस इसमें से थोड़ा घी निकल जाएगा। तो और तब समझिए अपना हलवा जो है तैयार। और इसमें मैंने यूज़ करा है ब्राउन शुगर का, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। आज के दिन हर किसी को अपने घर में पीली चीज़ बनानी चाहिए। चाहे आप पीले चावल बनाइए, मीठे भगवान को भोग लगाइए, या हलवा बनाइए, कुछ भी मतलब पीला। और पीले वस्त्र भी पहनने चाहिए। तो आज देखो मैंने येलो कलर का सूट, लाइट येलो कलर का सूट पहन रखा है। यहाँ पर हमारा हलवा होने वाला है तैयार। मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी, मुझे ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं है। बच्चे भी नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट, तो मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी। मैं फटाफट लगाती हूँ भगवान को बोल। यहाँ हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो गया, आप देख सकते हो। हलवे ने जो है कढ़ाई को छोड़ दिया है बिल्कुल। तो मैं फटाफट अपनी माता रानी को भोग लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर देखिए हलवा हो गया तैयार अच्छे से। और हलवे ने जो है, अब पता चल जाता है जब हलवा जो है ना कढ़ाई को छोड़ने लग जाता है, उस समय समझ लीजिए हलवा जो है बिल्कुल हो गया है तैयार। चलिए मैं फटाफट हलवा बना के यहाँ रख दिया है मैंने साइड में, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब भगवान को भोग लगाऊंगी। और एक साइड बना रही हूँ मैं, पोहे की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे पोहा भिगो के रख दिया है। और अब मैं फटाफट पोहा बना लेती हूँ। यहाँ पे मूंगफली फ्राई कर रही हूँ मैं। मूंगफली फ्राई हो जाएगी। देखिए मैंने अपनी माता रानी को भोग लगा दिया है। और यहाँ पर है जो हमारे घर कल हनुमान चालीसा जी थे, ये जय श्री राम राम जी की फोटो। और ये हमारे घर पूरे मंगलवार तक रहेगी। जब किसी के घर होगा तो उनके घर जाएंगे, लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। चलते हैं किचन में। मूंगफली फ्राई हो चुकी है। यहाँ देखिए मेरा पोहा बनके हो गया है रेडी। फिर मैंने कोकोनट भी डाला है, मेरे हस्बैंड को पसंद है। और यहाँ पे बन रही है उनकी ब्लैक टी, उसके बाद बनाऊंगी मैं। हाँ देखिए मैंने अपने हस्बैंड और अपना नाश्ता निकाल लिया है। और अब मैं लिया हूँ फटाफट हलवा। इधर मेरी चाय बन रही है। कैसा बनवा लो? अच्छा तो ये शाम का समय है, और यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ किचन में। और किचन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ देखो अर्णव, ये इस अर्णव को अभी आया है ट्यूशन से, और यहाँ पे खा रहा है, क्या बोलता है इसको, ऑरेंज। क्या खा रहा है? ऑरेंज, 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 ऑरेंज।
भिंडी कट धो के रखी है मैंने अच्छे से वॉश करके। आज बनेगी भिंडी की सब्जी, तो चलो मैं फटाफट इसे काट लेती हूँ। दिखा दे रहा क्या कर रहा है, ये देखो। तो यहाँ देखिए, ये भी ट्यूशन से आ चुकी है। क्या हुआ था आज ट्यूशन में, इतनी लेट की छुट्टी हुई? पढ़ाई पेपर का टाइम, बच्चों पे ना इस समय इतना प्रेशर चल रहा है ना पढ़ाई का, एग्जाम आने वाले हैं, है ना? एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, सुबह जल्दी उठना है, और पेपर बच्चों के हैं और टेंशन मुझे हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ही पेपर चल रहे हो। और खाना मैं बना चुकी हूँ, पर बच्चों का खाना खाने का आज बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है, तो उनके पापा इनके लिए कुछ लेने गए हैं, मोमोज वगैरह। कह रहे आज तो हम कुछ बाहर से खाएंगे, तो देखते हैं क्या लेकर आते हैं। जो भी लेकर आते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या लेकर आए हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए मेरा चैनल। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अर्नव, अर्नव भैया, ये लड़का लैपटॉप लेके क्या बैठ जाता है, देखते ही नहीं बिल्कुल। मैं भी देखती हूँ क्या कर रहा है। यहाँ देखिए, ये अपनी फोटो बना रहा है, पेंटिंग। ओहो, राइटिंग तो इतनी अच्छी है कि क्या ही बोले। ये ना मुझे चश्मा लगा के ना अजीब सी लग रही है। तो यहाँ देखिए, आ गए हैं कबाब बच्चों की डिमांड से। ये देखिए, ये है कबाब। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और हम जा रहे हैं सोने। अर्णव सो रहा है अपने पापा के पास, तो सुबह मुझे स्कूल जाना है अर्णव के, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वही कंटिन्यू ब्लॉग चल रहा है, मैंने ब्लॉग का एंड नहीं करा था। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं सुबह अर्णव के स्कूल जाऊंगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो चुकी है और मैं अभी घर आई हूँ। बस उसके 4th मार्च से पेपर स्टार्ट हैं, तो बस उसी के लिए मैम ने बताया था कि मंडे से इनका रिवीजन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान देना। और थोड़ा अनब की राइटिंग को लेके थोड़ा इशू है, तो उसकी राइटिंग पे मुझे बहुत ध्यान देना है। बस यही सब हुआ, और घर का काम मैं थोड़ा बहुत करके गई थी, नाश्ता वगैरह तो मैं करके चली गई थी। बस अब मैं थोड़े से कपड़े वगैरह वॉश करूँगी और कंटिन्यू रहेगा मेरा ये ब्लॉग, तो बने रहे आप मेरे साथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो 11 बजे के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा, अब मैंने 4 बजे शूट कर रही हूँ, 4 नहीं 5 बजने वाले हैं, बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ के आई। सुबह जब मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चों की मीटिंग से आई थी, तो उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर लंच वगैरह बनाया, जल्दी जल्दी काम करा। उसके बाद मुझे ना बहुत थका लग रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ी सोने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ी देर सो गई। तो अब बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ा, फिर मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।